नमस्कार, मैं कृतिका कटोच और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हमास पर साधा निशाना, कहा कि आईडीएफ को हर हाल में मिशन पूरा करना होगा। यह मिशन हमास का खात्मा और बंदकों की रिहाई है। हूती विद्रोहियों से लड़ने के लिए अमेरिका सहित नाटो देशों ने कमर कस ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने हूती आतंकियों की तरफ से जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताई है। भारत ने गणतंत्र दिवस 2024 के चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भेजा निमंत्रण। लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों के निलंबन मामले पर कांग्रेस का पूरे देश में प्रदर्शन। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के 143 सांसदों को संसद से सस्पेंड कर दिया गया था। गुरुवार को 3 और सांसदों के निलंबन के बाद यह संख्या 146 हो गई है। उत्तराखंड में जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर ली है तैयारियां। जनवरी में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट सौंप देगी समिति। जम्मू कश्मीर के रजौरी में 5 जवान बलिदान होने के बाद एक्शन में सेना। आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान जारी। देश में चिंता बढ़ा रहा कोरोना का नया वेरिएंट। 3000 के करीब हुए एक्टिव केस। केरल में दर्ज हुए 265 नए कोरोना के मामले। WHO ने दिया सतर्क रहने का सुझाव। नए साल से पहले लोगों को मिली खुशखबरी। देश में कम हुए LPG सिलेंडर के दाम। LPG कमर्शियल सिलेंडर 39.50 रुपए सस्ता। तमिलनाडु में लगातार बारिश के कारण भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान चलाया है। मौजूदा हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब तक 996 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थानों में भेज दिया है। दिल्ली NCR में सर्दी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार यानी आज हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। आने वाले दिनों में कोहरा और धुंध की वजह से परेशानी भी बढ़ सकती है। देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।